नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किरण किचन के चैनल में। तो देखिए आज क्या बनने वाला है दोस्तों किरण किचन के चैनल में। यहाँ पे मैं एक कटोरी मैदा ली हूँ, 250 ग्राम मैदा है दोस्तों, और ये है मिल्क पाउडर, 100 ग्राम मिल्क पाउडर है, और ये 250 ग्राम चीनी है दोस्तों। चलिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस मैदे से बने वाले रेसिपी दोस्तों। तो मैं यहाँ पे गैस को ऑन कर दी हूँ और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तो कढ़ाई गर्म हो गया है। तो इसमें डाला जाएगा देसी घी 2 चम्मच, और यहाँ पे घी पिघल गया है, गर्म हो गया है, तो इसे हम मिला देंगे। मिला करके इसमें हम मैदा को डालेंगे, और मैदा को डाल करके इसे भुना जाएगा, और बहुत बढ़िया से इसे मिलाया जाएगा, इसमें लम्स ना हो। भूनते समय दोस्तों हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसे हल्का भूनना है इस मैदा को, बहुत बढ़िया से इसे भूनना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे, लम्स ना पड़े। हम इसे कलछी के सहारे से बहुत बढ़िया से भून लेंगे। तो यहाँ पे ये मैदा भुना गया है, देखिए जो मैंने रखी थी मिल्क पाउडर, वो मिल्क पाउडर इस मैदा में डाला जाएगा और डाल करके मिलाया जाएगा। बहुत बढ़िया से इस मैदा और मिल्क पाउडर को हम मिलाएंगे कि मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैं रखी थी 200 ग्राम चीनी, वो चीनी को हम डालेंगे इस मैदा में, और डाल करके चीनी को मिला दिया जाएगा। बहुत बढ़िया से इसे मिलाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये मेरा मैदा भुना गया है, और मिल्क पाउडर और चीनी भी मिक्स हो गया है इस मैदा में। तो हम दूध डालेंगे, और दूध डाल करके धीरे 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 हमें मिलाना है इस मैदा और दूध को इस कढ़ाई में। तो बहुत बढ़िया ये लजबाब रेसिपी है दोस्तों। सोची कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो चलिए कुछ स्पेशल मिठाइयाँ बनाए। यहाँ पे मैं दूध डाल करके बारी बारी से मिला दे रही हूँ, और मिला करके इसे हम जिस तरह आटा को तैयार करते हैं उसी तरह है, हम आटा जैसी डो को तैयार करेंगे दोस्तों। और बहुत बढ़िया से इस कलछी से हमें मिलाना है। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे ये मेरा मैदा कोडो तैयार हो गया है, देखिए आप लोगों से दिखा दे रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस कढ़ाई से इस प्लेट में हम निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया लजबाब रेसिपी है दोस्तों। थोड़ी सी सामग्री में ये मिठाइयाँ बन करके तैयार हो जाता है, तो आप लोगों से मैं बता दे रही हूँ। रक्षाबंधन की स्पेशल मिठाइयाँ मैं बनाने वाली हूँ, तो आप लोगों से मैं दिखा दे रही हूँ इस मिठाई को रेसिपी। तो हम हाथों से रगड़ रगड़ के इसे डो को तैयार करेंगे, तो इसे हम मिलाएंगे हाथ से बहुत बढ़िया से रगड़ रगड़ के इसे हम डो को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मेरा डो बन करके तैयार हो गया है। तो हम सुंदर दिखने के लिए इस मिठाई को हम थोड़ा सा 1 पिंच डाली हूँ फूड कलर दोस्तों। तो मैं फूड कलर डाल करके इसे बहुत बढ़िया से मस लेंगे इस हाथों के सहारे से रगड़ रगड़ के। हम मसल मसल करके तैयार करेंगे इस डो को, ताकि इसमें कलर मिक्स हो जाए और दिखने में भी अच्छा लगे।
तो देखिए कितना बढ़िया मिक्स हो गया है ये फूड कलर। बहुत बढ़िया ये आसान रेसिपी है दोस्तों मिठाइयाँ बनाने के लिए। तो चलिए मैं इस मिठाई को तैयार करके आप लोगों से मिलती हूँ और दिखाती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे ये मेरा मिठाई को डो तैयार हो गया है, तो हम इसे अब मिठाई बनाएंगे। तो चलिए मैं मिठाइयाँ बनाने शुरू करती हूँ और आप लोगों से दिखाती हूँ। हम लोई काटेंगे और गोले आकार को दोनों तरह हस्ती के बीच में हम गोले आकार को बनाएंगे, रोल्स गोल बना करके। तो देखिए यहाँ पे मैं कितना बढ़िया सॉफ्ट चिकना बना है, बिल्कुल भी फटा नहीं है। बहुत बढ़िया से इस डो को मैं तैयार की हूँ चिकना। देखिए कितना बढ़िया चिकना चिकना ए मिठाइयाँ बन करके तैयार हो गया है। सारे बॉल्स को मैं तैयार कर ली हूँ इस मिठाइयाँ को। और मैं यहाँ पे ली हूँ नारियल का बुरादा, उसी में हम पोट करेंगे डाल डाल करके सारी मिठाइयाँ को दोस्तों। तो मैं पोट करके इस नारियल को बुरादा में आप लोगों से दिखाती हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मिठाइयाँ बनाने की रेसिपी और वीडियो ट्रिक तरीका अच्छी लगी। तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर देना।